हे गाइस, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट स्ट्रीम सिलेक्शन इन क्लास 11 एंड 12। क्या फैक्टर्स है दैट शुड डिटरमिन योर स्ट्रीम सिलेक्शन, क्या गलतियां हैं जो आपको डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए वाइल सिलेक्टिंग अ स्ट्रीम। वीडियो को एंड तक देखना। अ फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट आई एम गोना टेल यू इज फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, तो ये डेफिनेटली रियल है और होती भी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, नो गाइस, स्ट्रीम सिलेक्शन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपका करियर बनाने का, क्योंकि आप कौन से स्ट्रीम को सिलेक्ट करते हो वो इंडिया में ये डिटरमिन करता है कि आपके पास क्या करियर अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, है ना। ऑब्वियसली लाइफ में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें यू कैन चेंज योर करियर, यू कैन चेंज योर जॉब्स, बट एक तरीके से 11th और 12th में आप क्या लेते हो वो काफ़ी सारा आपका उसके बाद आप क्या करते हो उसको डिटरमिन करता है। तो इट्स एन इंपॉर्टेंट डिसीजन, इसको आप लाइटली नहीं ले सकते, है ना। तो पहली गलती जो आपको डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए, जो मैंने की थी, इज दैट जस्ट बिकॉज मम्मी पापा बोल रहे हैं, जस्ट बिकॉज आपके दोस्त कह रहे हैं, आप वही स्ट्रीम ले लो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सारे दोस्त PCM ले रहे थे, तो मैंने कहा मुझको भी PCM चाहिए। नाउ माई पेरेंट्स वॉन्टेड मी टू टेक बायो। अब मुझे ये तो पता था मुझे साइंस लेनी है, है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि साइंस स्ट्रीम में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, तो मुझे ये पता लगता था कि यार साइंस तो मुझे लेनी है। बट मैंने PCM इसलिए ली क्योंकि मेरे दोस्त ले रहे थे और कोई भी बायो नहीं ले रहा था। आई वाज लाइक, मुझे ऐसी क्लास में नहीं जाना जिसमें मेरा एक भी दोस्त नहीं है। नाउ दैट इज ऑब्वियसली नॉट द फैक्टर और द बेसिस ऑन विच यू शुड मेक योर डिसीजन। दोस्त कहीं भी जाए, आपकी दोस्ती बनी रहेगी। स्ट्रीम आपको सिलेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरेस्ट, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट मिस्टेक। सेकेंड मिस्टेक इज पेंडिंग अपॉन योर स्कूल। नो यार, दो तरीके के स्कूल होते हैं। एक स्कूल होता है जो कहेगा यार आपकी अच्छी परसेंटेज नहीं आई, हम आपको स्ट्रीम नहीं देंगे जो आपको चाहिए, है ना। तो यार देखो, स्कूल बदल लो। ये नहीं कि स्कूल वालों की बात में मान रहे हो, कह रहे हो ठीक है, क्योंकि यार स्ट्रीम आपको वही लेनी चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपको अपना करियर बनाना है। तो अगर आज आपको साइंस लेनी है और स्कूल वाले आपको साइंस नहीं लेने दे रहे, कॉमर्स नहीं लेने दे रहे, तो बेटा स्कूल छोड़ दो, है ना, और अलग स्कूल में चले जाओ। अगर कोई स्ट्रीम है ही नहीं, लेट्स से ह्यूमैनिटीज में आपको 5 ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स चाहिए जो आपके स्कूल में अवेलेबल नहीं है, देखो कि कौन सा और स्कूल है जहाँ पर ये 5 कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, और उस स्कूल में शिफ्ट कर जाओ, ठीक है। स्कूल इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट स्ट्रीम यू चूज इज मोर इम्पॉर्टेंट। याद रखना, 11th एंड 12th इज नॉट अबाउट व्हाट स्कूल यू गो टू, इट इज अबाउट आप खुद कितनी मेहनत और कंसिस्टेंसी से पढ़ते हो, ठीक है। ऑलराइट, थर्ड, व्हाइल चूजिंग अ स्ट्रीम यू शुड हैव अ टारगेट, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने साइंस ली तो मुझे ये था कि यार इंजीनियरिंग मुझे करनी है, तो ऑब्वियसली मुझे PCM लेना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ एक बेसिक टारगेट लेके आगे मत बढ़ो कि यही करना है और कुछ मुझे दिख ही नहीं रहा, मैं तो घोड़ा हूँ, है ना, जिसके ब्लाइंडर्स लगे हुए हैं। बेटा ऐसे मत करना, देखना उस स्ट्रीम में और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और कौन कौन से कंपेटिटिव एग्जाम्स दे के आप क्या बन सकते हो। तो थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़ा सा पता लगाओ कि उस स्ट्रीम में अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। ये क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताती हूँ। क्लास 11 के एंड में जब मैं फेल हो गई अपने सारे सब्जेक्ट्स में, तो मुझे रियलाइज़ हुआ बेटा इंजीनियरिंग तो मुझसे होने की रही। मेन मुझे इसलिए भी रियलाइज़ हुआ क्योंकि मेरे पापा मम्मी के पास पैसा था नहीं। उन्होंने मुझे साफ साफ मुंह पे बोल दिया था कि बेटा सरकारी कॉलेज में नहीं तो शादी करा देंगे। अब तब मुझे ये था कि शादी तो करनी नहीं है, है ना, 12th के बाद, राइट, और सरकारी कॉलेज में होगा नहीं क्योंकि मुझे पता था 11th मैंने बर्बाद कर दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने काफ़ी रिसर्च की कि मैं और क्या कर सकती हूँ। तो मेरे सामने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थे 11th 12th में अच्छा करके, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई ले कुछ लेना, लॉ करना। तो मुझे ये जो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल है, मेक श्योर कि आप इसका थोड़ा रिसर्च करो, ये अपॉर्चुनिटीज़ भी अपने सामने रखो, बिकॉज यू नेवर नो लाइफ में आगे क्या हो, है ना। आपका शायद मन ना करे 11th के बाद वो करने का जो आपका टारगेट था, तो चाहे कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, साइंस हो, ऑलवेज सी व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल एट द एंड ऑफ दैट स्ट्रीम। और अगर आपको जो टारगेट नहीं मिला वो नहीं हुआ, तो और क्या आपके पास फॉल बैक ऑप्शंस है और क्या वो स्ट्रीम आपको वो लेने में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज गाइज, बेसिक रूल है कि कोई भी स्ट्रीम लो तो इंटरेस्ट होना चाहिए आपका उस सब्जेक्ट में। देखो यार, हो सकता है कि क्लास 10 में मार्क्स कम आए हो, मार्क्स ज़्यादा आए हो, लेट्स से SST में 100/100 आए हो, बट आपको इंटरेस्ट नहीं है SST में। आ गए बट 100/100 बट इंटरेस्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली आप ह्यूमैनिटीज़ लेके तो नहीं बैठ जाओगे ना। अगर मैथ्स में 100/100 आया बट मैथ्स में 0 इंटरेस्ट है, बिल्कुल नहीं पसंद है, तो बेटा ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स या कुछ और लो, है ना। तो मेक श्योर दैट क्लास 10 मार्कशीट इज़ नॉट द बेसिस ऑन विच आप अपना स्ट्रीम सिलेक्शन करो। Instead, focus on selecting a stream जिसमें आपको interest आए, जिसमें आपको मजा आए पढ़ने में। देखो 11, 12 वैसे सच बताओ उतना syllabus होता है, सारा मजा ना खत्म कर देता है, but basic interest तो आपको subject में होना ही चाहिए, ठीक है।
अच्छा अगला, नाउ दिस इज सुपर इम्पॉर्टेंट, वाइल यू आर रिसर्चिंग एनी स्ट्रीम ऑलवेज सी कि आजकल की दुनिया में और क्या स्किल्स है जो आप कर सकते हो। देखो यार, लेट अस से कि साइंस पे देखो, द ट्रूथ इज कि लोग साइंस इसलिए लेते हैं क्योंकि उसके बाद उनके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने साइंस स्ट्रीम ली है, यू कैन ऑल्सो जंप टू ह्यूमैनिटीज आफ्टर योर ट्वेल्थ, जैसे मैंने किया है ना, आई वेंट टू पॉल साइंस एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स, राइट। तो इसलिए साइंस स्ट्रीम लेने का फायदा रहता है, बट ऑब्वियसली आप दो साल घिसोगे नहीं उन सब्जेक्ट्स में जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, है ना। तो आपको देखना है कि आपको बनना क्या है, उस हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट्स लेते हो। बट उसके अलावा क्या स्किल्स आप डेवलप कर सकते हो ये भी देखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आजकल क्या क्या डोमेन्स है जो खुल रहे हैं, है ना, क्लाइमेट चेंज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज का जो कॉन्सेप्ट है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का जो कॉन्सेप्ट है, यू नो डेटा साइंस का कॉन्सेप्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के कॉन्सेप्ट, ये वाले कॉन्सेप्ट काफ़ी ट्रेंडिंग है, काफ़ी ज़्यादा आगे 50-100 साल में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ऐसे सिचुएशन में उसमें आप वो कौन से फील्ड से उस फील्ड में आप कैसे घुस सकते हो, इसको जरा ध्यान से देखो, है ना। सो दीज आर सम, यू नो, एक होता है ना, एक ट्रेंड देखो, ग्लोबल ट्रेंड दैट द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स। मेरे जो एक रिलेटिव है जो यू नो CA है, तो वो बोलते हैं कि यार CA इज़ अ गुड जॉब, बट विद चेंजिंग थिंग्स विद AI कमिंग इन, जो ट्रेडिशनल CA है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, है ना। CA हैज टू इम्प्रूव, कीप ऑन अपडेटिंग themselves विद लेटेस्ट सॉफ्टवेयर। तो इसीलिए आपको देखना पड़ेगा कि यार फ्यूचरिस्टिक क्या यू नो ट्रेंड्स, उस हिसाब से आप कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करो जिसमें आपको सबसे ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। अगर आप बेसिक ट्रेडिशनल जॉब्स नहीं चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर वाली, तो कैसी स्किल्स है जो आप डेवलप कर सकते हो जो आपको बाद में काम आएगी। स्ट्रीम सिलेक्शन से पहले मम्मी पापा के अलावा अपने सीनियर से बात करो जिन्होंने कंपेटिटिव एग्जाम्स फोड़ा है, निकाला है। रीज़न फॉर दैट इज़ कि करियर गाइडेंस अगर थोड़े उन लोगों से मिले जो थोड़े प्रेजेंट के हैं, है ना, मम्मी पापा थोड़े पुराने ज़माने के हो जाते हैं, उनको नहीं पता कि आजकल न्यू जॉब्स आ गए हैं, जैसे कंटेंट क्रिएशन, गेमिंग हो गया, इनसे भी पैसे कमाए जाते हैं, राइट। तो आपको आजकल की जनरेशन जिन्होंने एग्जाम में किया है IIT में, उनसे बात करनी होगी टू अंडरस्टैंड कि क्या है अ लाइफ आफ्टर 12th, है ना, कि क्या क्या अभी मार्केट में जॉब्स अवेलेबल है, क्या क्या कॉलेजेस अवेलेबल है, तब आप अपनी स्ट्रीम लो, ठीक है। सो दीज आर सम वेरी इम्पॉर्टेंट क्या बोलूँ फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू हैव टू यू नो यू हैव टू सेलेक्ट योर स्ट्रीम, ठीक है। मैंने लिखा हुआ था तो मैंने बस चेक करी थी कि सब कुछ आपको बता दिया है या नहीं, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ अब अपनी अपना पाथ जो मैंने चूज़ किया एंड व्हाई इट डिड हेल्प मी। आई हैड टेकन अप साइंस क्योंकि फ्रैंकली मुझे SST में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इवन दो मैं SST टीचर अब हूँ, है ना, तब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरी अच्छी टीचर भी नहीं थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स विद इकोनॉमिक्स मैंने लिया। मेरा मेन एम था यार इंजीनियरिंग करना है, पापा की तरह IIT का पार करना है, वो उनका सपना भी था, मेरा भी, और दोनों ही मैंने तोड़ दिए जब मैं 11th में फेल हो गई थी ऑलमोस्ट, है ना। क्यों फेल हुई, कैसे मैंने क्लास 11 बर्बाद किया, उसकी अलग वीडियो आ चुकी है चैनल पे, आप वो देख सकते हो। उसके बाद क्या हुआ कि मुझको लॉ करना था, बट मेरे पापा ने साफ साफ मना कर दिया कि बेटा लॉयर से कोई शादी नहीं करता। एनीवेज, मम्मी पापा की देखो यार बात माननी पड़ती है, आप उनके घर के घर में रहते हो, छत के नीचे रह रहे हो, वो मना करते हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, है ना, कुछ और देखती हूँ। तो मुझे पता चला दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, मुझे ये पता चला कि अगर अच्छे एग्जाम यू नो बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स आते हैं, यू कैन गेट इनटू अ गुड कॉलेज, और फिर काफ़ी अच्छी जॉब्स मिलती है। तो आई थॉट ठीक है यार ये कर लेती हूँ, एंड बिकॉज आई हैड टेकन अप इकोनॉमिक्स एज माई ऑप्शनल, तो मुझको इंटरेस्ट भी था सब्जेक्ट में, फिर मैंने काफ़ी सारे पॉलिटिकल साइंस ये सब भी पढ़ा और मुझको मज़ा आया, एंड दैट इज़ हाउ आई शिफ्टेड। द गुड थिंग अबाउट द स्ट्रीम दैट आई हैड सेलेक्टेड वॉज कि मैंने अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे किया। ये बात ज़रूर है कि मुझे बायो में भी काफ़ी इंटरेस्ट था, आई थिंक मुझे वो लेना चाहिए था, बट क्योंकि मेरे सारे दोस्त ये ले रहे थे मैंने ले लिया, विच आई रिग्रेट, है ना। बाकी कोई रिग्रेट्स नहीं है अब, क्योंकि मैं जहाँ हूँ वहाँ मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे ही आप कभी परेशान मत हो कि यार ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है लाइफ का। बहुत बार हम अपनी स्ट्रीम बदलते हैं, जैसे मैंने बदली, आप भी शायद बदलो। बहुत बार हम अपने आप को स्किलफुल बनाते हैं विद लाइफ, यू नो विद यू नो एज वी गो अहेड इन लाइफ, राइट। तो डोंट वरी टू मच, जस्ट ध्यान रखो कि रॉन्ग रीजन की वजह से रॉन्ग स्ट्रीम सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा। अगर आपको कोई भी डाउट है कि स्ट्रीम कैसे सेलेक्ट करते हैं वगैरह वगैरह, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को थम्सअप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। बाय बाय।